तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं मैथ कैसे पढ़ती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी मैं मैथ कैसे पढ़ती हूँ। आंधी आ रही है, भागो। मैंने लाइक अभी नोटिस किया, ये देखो ना एकदम ग्रे हो गया है। स्क्रीनिंग चल रही है, ये प्रीमियर होता है हमारे व्लॉग का जो मम्मी देखती है। बारिश आने वाली है, ये देखो ना पूरा ग्रे हो गया एकदम, ऐसे ग्रे क्लाउड्स आ गए, कपड़े उठाने पड़ेंगे पहले। तो ये जो चीज है वो मुझे और मम्मी को बहुत टाइम से चाहिए, और ये नायका लग्जरी स्टोर से है जिसको मैंने फाड़ दिया। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जी हाँ, मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज मैंने बिल्कुल काले काले कपड़े पहने हैं, एंड लाइक सुबह उठते ही थोड़ा मैं पढ़ने बैठ गई थी, थोड़ा बहुत एडिट कर रही थी, वही चला था। एंड मैं आपको दिखाती हूँ, फूल इतने खिल गए हैं, ये देखो। सबसे ज़्यादा तो ये पीच वाला या स्किन कलर टाइप का खिला है, फिर लाइक येलो वाला भी बहुत खिला है, वाइट भी खिला है। इन दोनों को इतनी स्पेस नहीं मिली, तो इसको यू नो थोड़ा इधर कर देते हैं। चलो, तो ये हमारे रोजेस खिल रहे हैं सारे। और कल जो मम्मा का एक गिफ्ट रह गया था वो होपफुली आज आ जाए, लेट्स सी। तो मम्मा को देंगे हम वो। जी ओए, मैंने अपने पानी में डाला, ओए गैस कम करो। मैंने जैगरी पाउडर लिया, उसमें पानी डाला, ठीक है। फिर उसके अंदर अभी मैंने अपने साबूदाना डाले जो मैंने ओवरनाइट सोक किए हैं, एंड अभी बस इसको मिक्स कर रही हूँ तब तक जब तक ये साबूदाना ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते, जैसे अभी वाइट वाइट दिख रहे हैं ना वैसे ही होने चाहिए, और एकदम यू नो ऐसा सिरप टाइप का ये बन जाएगा, तो एकदम वैसे ही होना चाहिए। तो मैंने इसमें चार चम्मच आई थिंक जैगरी पाउडर डाला, और चार चम्मच या थोड़ा सा उतना ही पानी डाला, और फिर अपने ये डाले साबूदाना। अब देखो थोड़े थोड़े ट्रांसपेरेंट है ये वाला, जैसे वैसे सब होने चाहिए। नाउ एज यू कैन सी वो पूरा इसमें लाइक मर्ज हो गया, दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, ओ सो दिस इज मोस्टली तो ब्राउन शुगर में बनता है, बट मेरे पास जैगरी था तो मैंने उसी में बनाया, एंड इट हैज टर्नड आउट वेल, मतलब बहुत अच्छा है। ये देख लो, मनी को 2 घंटे हो गए हैं जब से पढ़ के आई है ट्यूशन, उसके बाद भी खाना खा के भी 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं जो वीडियो एडिट कर रही है, ऐसा पता ही नहीं आज के व्लॉग में डालने का भी टाइम हो रहा है अभी। अरे मैं आपको क्या बताऊँ, ये वीडियो पता कितने मिनट का बना है, 55 मिनट्स का, इतना बड़ा वीडियो बना है। बैठ के मैं एडिट करे जा रही हूँ, पहली बार मैंने करा तो तब कितना 35 मिनट्स का या कुछ हुआ था, दूसरी बार अभी देखा तो अभी 27 मिनट्स का है, तो काट काट के मैं देख रही हूँ क्या रखूँ क्या ना रखूँ, इतना बड़ा वीडियो बना है। अगर आप तक अभी तक आपने मेरा मदर्स डे वाला व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखना, बहुत मेहनत लगी उसको एडिट करने में और बहुत अच्छा है, एंड लाइक जल्दी वो व्लॉग देखो। और आप इस वीडियो में कमेंट करके बताओ कि मैंने मम्मी को गिफ्ट में क्या दिया था। टेस्ट ले रही हो क्या सबका? क्या टेस्ट ले रही हो क्या? टेस्ट ले रही हूँ, मैं देखती हूँ आप सबकी मेमोरी कैसी है और आपने देखा है कि नहीं मेरा व्लॉग। और जिसने सबसे पहले ये बताया कि मैंने मम्मी को क्या दिया है उनका कमेंट हम पिन करेंगे। तो एंड लाइक बस आज का दिन ऐसे ही चल रहा है, व्लॉग भी मैंने इतना बनाया नहीं, बैठ के वीडियो की वो हो रही थी, सुबह भी मैथ्स ही चल रहा था मेरा, इतना थोड़ा दिमाग खराब हो गया मैथ से, तो उसको होमवर्क भी करना होगा ना अभी तो जो मिला है टीचर ने दिया है। तो अभी मैंने थोड़ी सी बोबा बनाई, थोड़ी ज्यादा हो गई तो फ्रिज में डाल दी, बट पी लिया नहीं, फिर खाना खा के पिया था सीधा तो ज्यादा पी नहीं पाई, फ्रिज में डाल दी। बट आज वाली बहुत अच्छी बनी है, जैसी हमने नेपाल में पी थी ना वैसी टाइप की बनी है, बट उनका जो बोबा पर्ल्स होता है उनका थोड़ा बड़ा होता है और मेरा थोड़ा छोटा है, जैसे वो ब्राउन शुगर में बना के रखते हैं ना वैसे मैंने जैगरी पाउडर में बना के रखा, बहुत सही बना एकदम, बहुत अच्छा काम किया। अभी जल्दी से कर लो बेटा, बट थोड़ा होमवर्क भी करके रखो अपना, ताकि कल फिर स्नीक पीक, कल फिर सुबह सुबह फिर परेशान हो जाओगी ट्यूशन से पहले। अभी ओके, तो लाइक कल मेरा शूट नहीं है, परसों मेरा शूट है, लाइक हमें इन्वाइट आया था एक मूवी के प्रीमियर पे जाने के लिए, दैट आई वॉन्टेड टू सी, सो आई गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो लाइक हमने पूछा कि मेरा लाइक परसों शूट है कि नहीं, एंड दे वर लाइक हाँ है शूट, एंड लाइक स्पेशली हमने किसी को बुलाया है
तो लाइक हम पोस्टपोन भी नहीं कर सकते. एंड देन अभी जस्ट कॉल आया, उन्होंने बोला कि कल हो रहा है प्रीमियर, उसकी डेट शिफ्ट हो गई है. आई गॉट सो हैप्पी. तो फाइनली हम कल एक मूवी का प्रीमियर देखने जा रहे हैं. क्या नाम है उसका? इमेजिनरी फ्रेंड्स. तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. उसका ट्रेलर मैंने देखा, मेरे को अच्छा लगा. तो कल हम जाएंगे. सो यार स्टे ट्यून्ड फॉर दैट व्लॉग. एंड वन मोर थिंग, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो बट मेरा एक और चैनल है कॉल्ड आकृति इज बंडल ऑफ हैप्पीनेस. एंड जल्दी उसमें 100K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं. लाइक वी आर सो क्लोज. मैं आपको बताती हूँ अभी कितने हैं. अभी वी आर एट 95K. तो लाइक बस ओनली 5K मोर नीडेड. तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए, उसका भी प्ले बटन जल्दी आ जाएगा. सो या आई एम रियली हैप्पी एंड आई होप कि आप उस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे और प्यार दिखाएंगे जैसे आप इस चैनल को प्यार दिखाते हो. तो लाइक उस चैनल पे भी काफ़ी फन वीडियोज एंड ऑल आती है. सो या शो सम लव, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो. Is ready. Yes, मैंने गिराया है, मेरी खाना बनाने की निशानी है वो. Okay, so like अभी मैं अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ. ओह ये पूरा अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है, तो इसको बस मिक्स कर रही हूँ. एंड दिस इज प्रॉबली द बेस्ट बोबा आई हैव एवर मेड बिकॉज लाइक कॉफ़ी में मैंने कुछ भी शुगर नहीं डाला, इसमें जो है उसी से पूरी स्वीटनेस आ रही है. एंड दिस इज सो गुड. लाइक पहली बार कॉफी वाला बनाया मैंने. अमेजिंग. बारिश आने वाली है, ये देखो ना पूरा ग्रे हो गया एकदम, ऐसे ग्रे क्लाउड्स आ गए. कपड़े उठाने पड़ेंगे पहले. भागो 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 भागो, आंधी आ रही है, भागो. मैंने लाइक अभी नोटिस किया, ये देखो ना एकदम ग्रे हो गया. एंड ये लाइक कल रात को मैंने कपड़े सुखाए थे तो वो उठाती हूँ मैं फटाफट. किसको लगा था कि आंधी आ सकती, मेरी शक्ल तो नहीं दिखी. कपड़े उठाते फटाफट. एवरीबॉडी डू कुंग फू फाइटिंग. हवा से सब गिर रहा है यार. बारिश आनी शुरू हो गई ऐसा लग रहा है. नहीं दूर उड़ रही है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा. ओ गॉड, पर अभी मैं रैंडमली नहीं देख, लाइक एकदम अंधेरा हो गया, सन पूरा चला गया. अभी मैं रैंडमली नहीं देखती ना बाहर ऐसे ग्रे क्लाउड्स एंड ऑल, तो कपड़े ही उड़ के चले जाते. लाइक मुझे लगा बारिश आने वाली है, मम्मी लाइक नहीं आंधी है. एकदम से मेरी आंखों में मिट्टी घुस गई, पूरा ऐसे करते करते कपड़े उठा रही थी, फिर भैया आया मेरे घर ने. तो या इट्स क्रेजी. आई एम नॉट क्रेजी. सुनो ए, सुनो ए, आपको क्या अच्छा लग रहा है? गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ओके. तो लाइक कुछ कुछ ऐसी, तो लाइक बच्चे चिल्ला रहे नीचे, आंधी आ रही करके. सो लाइक मत जाओ. तो लाइक कुछ कुछ मतलब मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ. मम्मी बोल रही है मैं व्लॉग नहीं देख रही, एक्सपोर्ट कर दे. आई ट्रस्ट यू, क्योंकि लाइक अभी टाइम हो गया व्लॉग डालने का. तो यू नो हमेशा मैं थोड़ा थोड़ा लेट तो कर देती हूँ. मम्मा एक्सपोर्ट कर दो उसको, ठीक है? हाँ जी. तो मैं क्या कह रही थी, कुछ कुछ ऐसी मेमोरीज होती है ना जो हमेशा आपके साथ रहती है. तो लाइक आई हैव दिस मेमोरी ऑफ वॉचिंग टीवी विद माई भैया एंड द सीरीज वॉज जस्ट आर्ड मैजिक. हमने बैठ के 2 या 3 दिन में जस्ट आर्ड मैजिक पूरी सीरीज खत्म कर दी. एंड लाइक उस टाइम पे एकदम ऐसा ऐसा सेम सीजन था, एकदम आंधी तूफान वाला. लाइक बाहर से विंड की आवाज़ आ रही है जोर जोर से. एंड हम बैठ के ऐसे कोजी इन अ ब्लैंकेट हम बैठ के टीवी देख रहे हैं. एंड इट वाज जस्ट सो फन. तो लाइक टीवी ऑन करते हैं और टीवी देखने का टाइम हो गया. आई हैव अर्नड इट. तो लाइक ये किसको पता था यार आंधी आएगी. मुंबई इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है कभी भी. तो एनीवेज हम देखते हैं टीवी. साथ में मैं करूँगी क्रोशे, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ क्रोशे की. एक सेकेंड. एज यू ऑल सॉ कि मैंने पूरा खोल दिया था, तो उसके बाद अभी मैंने थोड़ा सा और बनाना शुरू किया है. आपको आवाज़ आ रही है, जू जू हवा की आवाज़ है. तो अभी लाइक मैंने इतना क्रोशे
किया है. यस इट्स सो प्रिटी. तो लाइक इसका मैं सोच रही हूँ कुछ समर वाइब्स का कुछ बनाऊँ. आंधी तूफान बारिश तो नहीं आ जाएगी समर. कोई बात नहीं, चलो अभी हम देखते हैं टीवी. क्रशे करते करते हम लोग बोला था आप लोग नहीं देख रहे ऊपर मैं कितनी गंदी दिख रही हूँ. अरे आप आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना तब इतनी. हाँ स्क्रीनिंग चल रही है, ये प्रीमियर होता है हमारे व्लॉग का जो मम्मी देखती है. हो रही है जोर जोर से बादल की ढड़म ढड़म ढड़ुम ढड़ुम. तो मैं तो खुश हो रही थी कि लाइक फाइनली बारिश आ गई, वेदर थोड़ा अच्छा हो गया एंड ऑल. बट एक्चुअली दिस कुड बी डेंजरस बिकॉज साइक्लोन आने की संभावना है मुंबई में. बट एनीवेज लाइक अभी बारिश थोड़ी कम हो गई है पहले से. पहले तो बहुत ज़्यादा आ रही थी. अभी भी क्लाउड्स हैं, बारिश लग रहा है तो पर बट लेट्स होप कि ज़्यादा बारिश ना आए. So to all the people who are watching this from Mumbai, say stay safe and बस हम पकौड़े खा सकते हैं. मैं तो बस खाने के सोचती हूँ. लाइक अनार कह रही हूँ मैं, आम खा खा के मेरा ये हाल हो रहा है. ऊपर से मैं डीप फ्राई खाती हूँ फिर और पिंपल आ रहा थे. तो बस वही चल रहा है मेरे दिमाग में. बट ठीक है, अच्छा तो लग रहा है. बट ज़्यादा बारिश ना आए होपफुली. जब भी बारिश आ रही है ना तो पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. बाहर से इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है. लाइक मैं यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ ना, मेरे को बारिश का थोड़ा बहुत पानी भी आ रहा है. फोन नहीं गिराऊंगी, चिंता मत करो. तो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं मैथ कैसे पढ़ती हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी मैं मैथ कैसे पढ़ती हूँ. एनीवेज बाहर अभी धूप आ चुकी है एंड ऐसा कुछ वेदर हो रहा है. ये वाले क्लाउड्स थोड़े बहुत तो हैं अभी भी इधर, बट सन इज हियर. तो मेरा स्कूल तो नहीं है, तो लाइक ट्यूशन में वट एवर आई स्टडी वो मैं वापस आके फटाफट से रिवाइज कर लेती हूँ. एंड जो भी मेरे को होमवर्क मिला है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ. फिर देखती हूँ कि ऐसा क्या क्वेश्चन है जिसमें मुझे डाउट्स है या समझ नहीं आ रहा या सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो उसको मैं मार्क कर लेती हूँ. फिर जाकर मैं पूछ लेती हूँ. तो फिर मैंने पूछ लिया. अब जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने थे उनको मैं बैठ कर बना रही हूँ एंड प्रैक्टिस कर रही हूँ. तो बस यू नो जो नहीं आता उसकी और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. सो क्वेश्चन बना रही हूँ, मतलब बना रही हूँ नहीं बोलते हैं लोग. ठीक है, अब मम्मी ने बोल दिया क्या बोले कुछ. अब गिफ्ट ही नहीं आ रहा यार मम्मी, मैं सोच चुका कब आएगा. नहीं वो चीज़ थोड़ी मेरे काम की है इसलिए. हाँ वही तो, बहुत टाइम हो गया लाइक एक वीक हो जाएगा अब तो. नायका व्हाट इज हैपनिंग. सो एज आई वाज सेइंग, तो वन मोर थिंग दैट इज कि नाइन्थ इज द बेस फॉर टेंथ. तो लाइक अगर आप नाइन्थ की मैथ्स हो गई या कोई भी सब्जेक्ट हो गया उसको अच्छे से पढ़ोगे, स्पीकिंग मोस्टली ऑफ मैथ्स अभी, कि लाइक नाइन्थ में आपको सब सिखाते हैं कि मैथ्स में क्या है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी होती है एंड यू नो सब सीखना पड़ता है. तो यू हैव टू टेक योर टाइम, बट ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लो. तो यू नो ट्राई टू रिवाइज इट एज मच एज यू कैन. ज़्यादा ओवर भी नहीं करना है, बट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड देन टेंथ में यू हैव टू लाइक जैसे जो सीखा है उसको यूज़ करना है. तो टेंथ में थोड़ा वो हो जाता है, टेंथ इज़ डिफिकल्ट, बट अगर आपने नाइन्थ अच्छे से नहीं किया तो टेंथ और भी डिफिकल्ट हो जाएगा. तो बेसिकली मैथ्स में तो जैसे कुछ हो गए कॉन्सेप्ट्स, जैसे अलजेब्रा हो गया, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे न्यू भी हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया और वो सब हो गया, उसका इंट्रोडक्शन है अभी सिर्फ. तो दैट ऑल आई हैव टू डू एकदम अच्छे से एंड इंट्रोडक्शन एंड ऑल वो सब मेरे को अच्छे से सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक बड़े लेवल का आगे टेंथ में सिखाएंगे. सो एनीवन पूरी बुक आने वाली है, सो या दैट मेक्स इट बेटर. तो बस यू नो ऐसा हो जाता है कि हम टालते रहते हैं कि बाद में कर लेंगे, पर बाद में नहीं आता है. तो जस्ट सिट डाउन, ओपन योर बुक एंड डू इट. यही मैं बेस्ट एडवाइस देना चाहूँगी. लाइक आपको ही करने कोई और तो करेगा नहीं. एंड यू नो जितना आप समझ सीख के करोगे तो उतना बेटर रहेगा. अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, या फिर अगर टीचर से भी नहीं पूछ पा रहे तो इवन अभी की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है आप गूगल से पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे लेसन देख सकते हैं. एंड इवन आई थिंक नाइन्थ में तो सब कोचिंग लगवा रहे थे, मेरी तो इवन सिर्फ मैथ्स की है. बाकी सब्जेक्ट्स आई एम ट्राइंग टू स्टडी बाय माई सेल्फ एंड आई गॉट टू बी ऑनेस्ट,
मैथ्स के अलावा मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को अभी तक इतना टच नहीं किया है, बट आई हैव टू स्टार्ट बिकॉज लाइक उन सब्जेक्ट का भी पूरी बुक आने वाली है. तो लेट्स सी, सिर्फ मैथ्स पे नहीं लगी रहूँगी मैं अभी. मैं 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व करूँगी अभी. मैं थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा. समझ आ रहा है मुझे बट बन नहीं पा रहा वो. तो आई विल डू दैट विद अ क्लियर फ्रेश माइंड आफ्टर सम टाइम. तब तक मैं सोच रही हूँ क्या बोलते हैं EVS या कॉमर्स या इंग्लिश पढ़ लूँ. इवन मेरी इंग्लिश इस बार की बहुत वास्ट है, लाइक ग्रामर बहुत बड़ा है. इवन लाइक वी हैव जूलियस सीजर, तो लाइक उसको पूरा पढ़ना है. उसका भी इनफैक्ट अभी थोड़े थोड़े बीच बीच के सीन्स है. मेन पार्ट जो है उसका वो 10th में होगा. तो यू नो 9th में बस दे प्रिपेयर यू फॉर 10th एंड लाइक 10th में यू हैव टू मूव अप अ स्टेप एंड डू ऑल द थिंग्स. तो लाइक ऐसा है. इवन लाइक मेरी सारी बुक्स में ना पार्ट 1 लिखा है. आई थिंक 10th में हमें उसका पार्ट 2 मिलेगा. तो सेम गोज विद 11th एंड 12th. तो 11th में भी 9th का प्रिपेयर करते हैं आपको. तो बस दिस इज लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट. पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर साथ में जिंदगी को भी इंजॉय करो. इतना भी इंजॉय मत करो कि पढ़ाई भूल जाओ. तो जी मस्ती मजाक तो चलता रहेगा पर पढ़ाई करनी पड़ेगी. तो चलिए पढ़ने बैठते हैं. तो ये जो चीज़ है वो मुझे और मम्मी को बहुत टाइम से चाहिए. और ये नायका लग्जरी स्टोर से आई है जिसको मैंने फाड़ दिया. इवन इसकी पैकेजिंग अलग है, लाइक बॉक्स अलग है इसका. तो इसको खोलती हूँ मम्मी. एनी गेसेस क्या हो सकता है? नो गेस. ये चीज़ हमें चाहिए बहुत टाइम से, मतलब हम देख रहे हैं इसको काफी टाइम से और हम सोच रहे हैं हम लेंगे करके. चार्लेट मेरी मम्मा है. वो बहुत ज्यादा महंगा था, आउट ऑफ माय बजट, सॉरी. आधी दिलवा दे मेरे को. मैंने तो दिलवाया. बताओ अब एक और गेस. अब तो गेस करो. पेपर तूने वो मंगवाया है लिप बाम. आपको अच्छा लगा? हमको चाहिए था ना ये वाला. हम देख तुझको जाना चाहिए था. आपके लिए भी है. खुद के लिए मंगाया है. आपके नाम चुप रहो. मैंने अपने लिए भी मंगाया है. मम्मी का नाम लिया. ठीक है तू यूज नहीं करेगी ना? तू यूज नहीं करेगी ना? छोटा है यार. तू यूज करेगी नहीं करेगी? मैं करूंगी मम्मी. कभी कभी यूज करी हूँ मानी तू. कभी 6 महीने में एक बार मैं ज्यादा यूज करूंगी. मेरा गिफ्ट है ना. इसको गोल्ड की तरह यूज करना. इतना महंगा है. मानी मानी खुद आपको यूज करेगी. इसके साथ ये फ्री गिफ्ट है. खुद यूज करते रहेगी देख लेना. हम इसको हमें इसको ट्राई करना था तो साथ में फ्री आ गया तो मैंने मंगा लिया. ये वही है क्या? हाँ स्किन मिस्ट. स्किन मिस्ट हाँ कुछ है गाना. इसको खोल के बहुत अच्छा लगा. मुझे एक और चाहिए था, चाहिए काफी टाइम से. वो और भी अच्छा लगेगा अगर तू दिलवा देगा. शार्लेट टिल्बरी. अरे वो भी मैंने दिलवाया है. वो मैं सोच रही थी मंगा लूँ पर बहुत ज्यादा महंगा. तो अभी ट्राई करोगे बाहर जाने के टाइम पे? कल करेंगे. इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट है. हाँ कल हम जाने वाले तब यूज करेंगे इसको. So let's see if it's worth the hype or not. And इसको भी try करना है. So yeah, both of these. This is not sponsored. Both of these are very cute and I'm excited to try them. तो बस इसको वापस डाल देते हैं. चलो thank you very much. Welcome. मैं भी use करूँगी. क्या ही? मम बांटने से बढ़ता है. क्या? प्यार बढ़ता है ना. प्रोडक्ट बांटने से कम होता है. जो आपका है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी मेरा है. ठीक है? ठीक है. मतलब तुमने अपनी लड़ाई करा है? नहीं. सो अभी बैठ के मैं सोच रही थी मैं क्या पढ़ूं. देन आई रिमेम्बर्ड दैट आई हैव सम नोट्स व्हिच आई हैव नॉट रिटन येट. तो बैठ के वही लिखा जा रहा था एंड ये तो आ गया. बट हम इसे कल ट्राई करेंगे एंड कल विल गो टू अ मूवी प्रीमियर. तो आउटफिट क्या पहनना है दैट इज ऑलवेज अ बिग टास्क. सो मे बी आई फिल्म अ गेट रेडी विद मी शॉर्ट्स के लिए. सो लेट्स सी क्या होता है. एंड कुछ ऐसा था हमारा आज का दिन. मुझे लगा नहीं था ये आ जाएगा बट फाइनली आ गया. सो यार आई एम हैप्पी कि फाइनली आ गया एंड साथ में ये भी आया. तो ये मैं एक्चुअली ट्राई किया हुआ है एंड आई लाइक इट. लेट्स सी अच्छा लगेगा तो फुल साइज भी मंगा लेंगे. बट I expected this to be bigger, but कोई बात नहीं. And that's it for today's vlog. आज का sudden weather change देख के पहले तो मैं खुश सी हो रही थी, फिर
फिर लाइक थोड़ा थोड़ा यू नो डर लग रहा था कि लाइक वी शुड टेक प्रिकॉशंस, मतलब लाइक साइक्लोन आने की संभावना हो सकती है. सो या एवरीवन लिविंग इन मुंबई, स्टे सेफ. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. आई होप यू ऑल एंजॉयड. आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग. लव यू ऑल. बाय.